नमस्कार। केदारनाथ हेली सेवा के लिए पंजीकरण जरूरी? जी हाँ दोस्तों, चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा से जाने के लिए यात्रियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के यात्री हेली सेवा की ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। साथ ही एक बार में एक व्यक्ति अपनी आईडी से अधिकतम 6 सीटों की बुकिंग कर सकेगा, जबकि समूह में यात्रा करने वाले यात्री एक बार में 12 सीट बुक कर सकेंगे। 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू हो रही है। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग भी अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू करने की तैयारी है। हेली सेवा में टिकटों की बुकिंग में फर्जीवाड़े और कालाबाजारी रोकने के लिए प्राधिकरण की ओर से नई व्यवस्था लागू की जा रही है। टिकटों की बुकिंग का जिम्मा IRCTC को दिया गया है। इसके अलावा हेली सेवा के लिए यात्रियों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया। बिना यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग से लेकर हेलीपैड पर सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़े रोकने के लिए एक आईडी पर एक बार सीट में की संख्या तय की है। पूरे यात्रा सीजन में एक आईडी पर दो बार ही टिकट की बुकिंग की जा सकती है। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। इमरजेंसी के लिए 200 सीटों का कोटा। केदारनाथ हेली सेवा के लिए 200 सीटों का इमरजेंसी कोटा निर्धारित किया गया है। ये सीटें रुद्रप्रयाग के DM के नियंत्रण में रहेगी। इमरजेंसी कोटे से VIP या अन्य अतिथियों की सीट उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें, इमरजेंसी कोटे से दी जाने वाली सीटों के लिए IRCTC वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।